नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 6 5G versus Realme 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Neo 6 में 6.38 इंच जबकि 12 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Neo 6 से कम है। विड्थ की बात करें तो Neo 6 में 2.96 इंच जबकि 12 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Neo 6 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Neo 6 में 191 ग्राम जबकि 12 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Neo 6 में 6.78 इंचेस जबकि 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Neo 6 में 1264x2780px और 12 Pro 5G में 1080x2412px मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Neo 6 में 91.22% जबकि 12 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Neo 6 में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Neo 6 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Neo 6 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Neo 6 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Neo 6 में Adreno 735 जबकि 12 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Neo 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 12 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Neo 6 में 12GB की RAM मिलती है जबकि 12 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Neo 6 में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 12 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी Neo 6 में 5500 mAh जबकि 12 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Neo 6 में 3 कलर्स जबकि 12 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Neo 6 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 35,090 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,849 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 23,885 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme GT Neo 6 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Neo 6 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A55 5G है, तीसरा Samsung Galaxy S24 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 8 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।